पापा का सिस्टम बहुत बार करप्ट भी किया विंडो एक्सपी। पापा ने बाकी पेरेंट्स की तरह मुझे डांटा नहीं या फिर मुझे मारा हो कि आपने सिस्टम करप्ट कर दिया। डाटा होता है क्लास टू का जो अपना बैग होता था समर वर्क का, वो मैं कहीं छुपा कर कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज की क्लासेस में बैठ जाता था। उधर बी एस सी की गर्ल्स होती थी तो उन्होंने बच्चा समझ के बैठा रहा है। मैंने वहाँ पर अपनी लर्निंग्स ली। फर्स्ट तो मुझे पता ही नहीं थे ना कि पी साइलेंट होता है इसमें सूडो कोड वैसे कहता था। अब तो मैं C++, पाइथन, C#, HTML, R लैंग्वेज इन सब पे काम कर चुका हूँ और आजकल C#  पे और पाइथन पर काम कर रहा हूँ। लास्ट ईयर है मेरा तो प्राइवेटली कर रहा हूँ, स्कूल तो करता ही है ना हो कि मैं यूनिवर्सिटीज में होता हूँ ज़्यादातर। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शमशावान और मैं हूं मोहम्मद फाकी। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमतें पाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे टैलेंट आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर आकर बैठते हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो आज हमने प्रोग्राम में एक ऐसे टैलेंट को दावत दी है जो कि हैं छोटे से लेकिन उनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। आपको बताते चले कि 7 साल की उम्र में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट का एजाज़ हासिल किया। इसके अलावा वो जो बच्चा हमारे पास आज मौजूद है उसको बच्चा तो खैर नहीं कहेंगे, अब नौजवान कहेंगे, AQ खान गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी उसको अबूर हासिल है और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। उन्हीं से जानते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सब कुछ किस तरह से उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में शुरू किया और कैसे वो ये सब कुछ कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहम्मद हुज़ैर अवान, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हुज़ैर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। हुज़ैर, ये मुझे बताइए कि ये सब कुछ करने का ख्याल इतनी छोटी उम्र में कैसे आया आपको, कैसे किया आपने ये सब कुछ? 4 ईयर्स की से स्टार्ट लिया था। एट दैट टाइम पापा सिस्टम पर अपना काम करते थे तो उनको देखकर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ऐसी क्या चीज़ है। पापा का सिस्टम बहुत बार करप्ट भी किया विंडो XP। पापा ने बाकी पेरेंट्स की तरह मुझे डांटा नहीं या फिर मुझे मारा हो कि आपने सिस्टम करप्ट कर दिया। डाटा होता है, पापा ने मुझे सपोर्ट किया। एट द एज ऑफ 5 मुझे विन XP इंस्टॉल करनी आते थे। इन क्लास 2 आई जॉइंड एन एकेडमी फॉर समर वेकेशन वर्क, बट देयर्स माय गुड लक अवेटेड। मैं क्लास 2 का जो अपना बैग होता था समर वर्क का, वो मैं कहीं छुपा कर कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज की क्लासेस में बैठ जाता था। उधर BSc की गर्ल्स होती थी तो उन्होंने बच्चा समझ के बैठा रहा। मैंने वहाँ पर अपनी लर्निंग्स ली। मिस कहती थी कि बच्चा गया किधर है, क्लास 2 का इधर था, बट वहाँ पर कंप्यूटर लर्निंग्स ली आहिस्ता आहिस्ता। फिर सर ने जो वहाँ का प्रिंसिपल थे, पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि जो आप इसका जो स्कूल वर्क है वो घर मैनेज करवाएं, हुज़ैर मेरे पास यहाँ पर कंप्यूटर की स्टडीज़ ले लेगा, लर्निंग्स ले लेगा। राइट, आप आने का श्योर? एट दैट टाइम फिर मैंने ऐसा ऐसा डिफरेंट चीज़ें लर्न की। MS Word एट टाइम ऑफिस स्टार्ट किया था, प्रोजेक्टर हैंडलिंग, प्रिंटर हैंडलिंग, फोटोकॉपियर, उसके बाद सेल्फ स्टार्ट जनरेटर। फिर एट दैट टाइम मैंने फिर चार्जेस लेना शुरू कर दिए जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता था वहाँ पर, जस्ट लाइक ये समझ ले विंडो इंस्टॉलेशन का शुआरमा, अच्छा, डाटा रिकवरी का पिज्ज़ा हो गया, पासवर्ड ब्रेकर से भी बड़ा कोई आइटम होगी। ठीक है, इस तरह स्टार लेके। और कहते हैं ना, मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया। उर्दू अदब से भी ताल्लुक है इनका, जबरदस्त। ठीक है, इस तरह स्टार लिया। फिर इन द एज ऑफ 8-7 आई बुक द रिकॉर्ड ऑफ फकिंग इन माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट एंड आफ्टर दिस एजुकेशन एंड फकिंग फाउंडेशन वाट मी अ गोल्ड मेडल। अच्छा, मैं भी हुज़ैर से एक चीज़ सीखूंगी कि पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं, डाटा कैसे रिकवर करते हैं, तो यही सीखेंगे आपसे। अच्छा यार, ये मुझे बताइए कि घर में आप किसके लाडले हैं? पापा का भी हूँ और मम्मा का भी हूँ। मामा ने कभी डांटा कि आप मतलब हर वक्त कंप्यूटर पे बैठे रहते? डांटती थी, अच्छा, कि आंखें खराब हो जाएंगी। वो सबकी माएँ जो एक बड़ी सुपरस्टिशियस होती है, आंखें इतना मोबाइल यूज करते हो आंखें खराब हो जाएंगी, इतना टीवी देखते हो आंखें खराब हो जाएंगी, तो ऐसा ऐसा होता था। बट स्पोर्ट भी करती थी साथ साथ, जैसे कि अब मैं लेट नाइट अकेडमी में था तो वहाँ पर नूडल्स आ गए या फिर होममेड कोई भी डेयरी आइटम्स आ गई, बर्गर में आके भेजती या फिर कोई और चीज़ ऐसे बनाकर भेजती। पापा भी सपोर्ट करते थे अगर ठीक है कोई पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी अकेडमी। अच्छा, हुज़ैर घर में जो फादर थे वो आपकी IT एक्सपर्ट ही थे या IT से ही उनका ताल्लुक था, उनकी तरफ देख के इंस्पायर हुए थे या बस खुद ही शौक? एट दैट टाइम मैंने भी गेम से स्टार्ट लिया था बाकी बच्चों की तरह। अच्छा, पापा से कुछ लर्निंग्स ले लेता था कंप्यूटर से रिगार्डिंग, बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने ही पैशन था। अच्छा, बाकी जो मेरे सीनियर फ्रेंड्स हैं, जस्ट लाइक मैं इन 2015 मुझे फास्ट WA डिपार्टमेंट ने ऑनरी मेंबर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, तो वहाँ पर मैं स्कूल कम जाता था और एट दैट टाइम वहाँ पर यूनिवर्सिटी में होता था, वहाँ पर डिफरेंट रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट सीखे, बाकी चीज़ें सीखी। उसके साथ साथ मेरे जो सीनियर फ्रेंड्स थे, फिर आप वो भी हेल्प करते हैं अगर मैं कहीं फंस जाऊँ या फिर कोई इशू हो प्रोग्रामिंग वगैरह में प्रोजेक्ट्स में, तो वो भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरह आगे इन फ्यूचर भी इसी तरह
करेंगे करते रहेंगे। अच्छा उजैर, इस वक्त आप पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में मौजूद हैं, इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू पुलिस कल्चर। इससे पहले जब कभी आप पुलिस वालों से मिलते थे या आपकी मुलाकात होती तो आपके जहन में क्या आता था? फर्स्ट टाइम मैं गया था वहाँ पर SOS बॉम्ब जो डिस्पोजल है ऑफिस वहाँ पर। अच्छा, एट दैट टाइम एंट्री थी तो उनको मेरा इंट्रोडक्शन पहले से था। ठीक है, जब मैं एंटर हुआ तो फर्स्ट उन्होंने सेल्फीज लेना शुरू कर दी। ठीक है, आई वाज शॉक कि पुलिस वाले भी सेल्फी लेते हैं। मैंने पापा से पूछा पुलिस वाले भी सेल्फी लेते हैं। अब उसके बाद ही मेरा सेकंड विजिट है पंजाब से अथॉरिटी पर एंड दिस प्रोजेक्ट इज अमेजिंग, आई लव दिस। मतलब आप इसको बहुत मजा आया और आगे भी इसी तरह अगर आप समझते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है इसके बनने के बाद पंजाब पुलिस में थोड़ा चेंज आ गया होगा। और अगर आप 15 पे कॉल करते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, अब 15 पे कॉल करते हैं तो आपको पहले से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला होगा? यार रिस्पॉन्स तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, इन फ्यूचर भी आगे इसी तरह रहे। बट 15 पर जो फेक कॉल्स आती हैं ना, एज एन कॉमन मैन मैं ये कहता हूँ कि आपको जो कॉल्स आती हैं उनके नंबर्स डाटा जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके उनको देकर उनका डाटा निकलवाएं, CNIC नंबर निकलवाएं और बाकी सर्विस प्रोवाइडर से ना उस CNIC नंबर पर रजिस्टर जितनी भी सिम्स हैं वो सब ब्लॉक करवा दें। जब तक वो पर्सन आके खुद कन्फेस नहीं करता या फिर सॉरी नहीं करता, अपोलोजाइज लेटर नहीं लिखता, तब तक उसको अनब्लॉक। अभी फेक कॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए उजैर हमारा ये होता है कि हम उसको ना थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये भी चीज़ होती है कि आज से कोई 2 माह बाद या 3 माह बाद उसको जरूरत पड़ सकती है 15 पे कॉल करने की। अब तो वो मजाक कर रहे हैं इस वक्त, वो एक कुछ कहानी आपने सुनी होगी, शेर आ गया तो हो सकता है उसको जरूरत पड़ जाए, तो हम तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि चले कोई बात नहीं, खैर है उसको अब ब्लॉक है, उसको अनब्लॉक कर दें, हो सकता है इसको 15 पे कभी जरूरत पड़ जाए। आप वाली बात भी ठीक है, तो हम ख्याल जो अवाम का ज्यादा रखते हैं हमारे ऊपर जो भी है हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मैंने सुना है। डिफरेंट फोरम्स मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो ज्यादातर बात करते हैं जो इंसान की लाइफ होती है उसके बारे में, आपने किस तरह से जिंदगी को गुजारना है, तो आप अपनी स्पीच में किस तरह की बातें करते हैं? आई टी से रिलेटेड होती है? आई टी से रिलेटेड होती है, मैं ज्यादातर रोबोटिक डेवलपमेंट या फिर किसी और आई टी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने बनाए होते हैं उन पर ज्यादातर करता हूँ ट्रेनिंग वगैरह, डिफरेंट फोरम्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, UET में और डिफरेंट, थोड़े अर्सा पहले मैंने उधर दिया था किड्स को लेक्चर रोबोटिक्स से रिगार्डिंग। रोबोटिक्स पे कैसे उन्होंने काम करना। अच्छा उजैर, जब जो आपकी ऑडियंस सुन रही होती है आपके लेक्चर्स, वो किस तरह के लोग, किस एज ग्रुप के लोग आते हैं वहाँ पे? एज ग्रुप मेरी जो बातें ज़्यादातर कॉलेज के बाद ही जाके समझ आती है, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को आती हैं, और कोई स्कूल या फिर कॉलेज का इवेंट हो मैं पापा से कहता हूँ कि इनको मेरी बातें समझ नहीं आनी, ये ना ही जाया जाए। अच्छा, आपको ये बातें करनी कौन सी खाते हैं पहले तो मुझे ये बताएं। मैंने फर्स्ट जो मेरे फर्स्ट फ्रेंड थे, मैं फर्स्ट हूँ तो मेरे फर्स्ट फ्रेंड मेरे चाचू थे। अच्छा, एट दैट टाइम उनकी 17-18 एज थी। अच्छा, तो मुझे कोई बच्चों वाला शौक भी नहीं है, ना कोई बलून या फिर टॉयज, अगर मेरे कोई मामू या फिर कोई और गिफ्ट कर भी देते थे कोई टॉयज वगैरह तो वो भी हो सकता है कबर्ड में उसी तरह पड़े। मुझे शौक था रोबोटिक्स का, वहाँ पर रात को लॉन्ग ड्राइव का शौक है, बड़ों के साथ रह रहकर फिर बड़ों के असर तो आता ही है। गेम्स तो आप खेलते हैं, प्लेस्टेशन पे गेम खेले भी आपने? नहीं, मेरा अपना PC है। अच्छा, अपना PC है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और हॉबी है आपकी? अब बहुत सी हॉबीज हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, गिटार प्ले करता हूँ फ्री टाइम में, डिफरेंट सॉन्ग्स प्ले किए हैं, डिफरेंट फोरम से जाके प्ले किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने पेट रखा हुआ है रॉटवाइलर चार्ली ने, मैं उसके साथ अपना फ्री टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरा शौक है। और बाकी हॉबीज वगैरह फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इस तरह डिफरेंट। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट योर स्टडीज के? स्टडीज O-level में हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, तो प्राइवेटली कर रहा हूँ, स्कूल तो करता ही है ना, यूनिवर्सिटीज में होता हूँ ज्यादातर, वो कहते हैं कि आप इतना उधर रहते हो स्कूल में तो होते ही नहीं हो आप, तो फिर इशू तो आता ही है। हमने बात की है कि आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी एक्सपर्ट हैं, C++, जावा, इस तरह से और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग करते हुए कभी कोई ऐसा बग आया हो जिसने आपको बहुत परेशान किया हो, इससे पहले आप परेशान ना हो? बग ही बड़ा परेशान करता है वो हमारे लिए, लेकिन मैं सिर्फ उजैर की बात कर रहा हूं। उजैर के लिए तो बग भी ऐसे ऐसे चुटकियों में ठीक हो जाता होगा। बताएं कि कभी कोई ऐसा बग आया उसके बाद परेशान हो गए हो, आपने 5 दिन खाना ना खाया हो कि नहीं ये जब तक ठीक नहीं होगा मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा या मैं कोई और एक्टिविटी नहीं करूंगा, ऐसा कभी कोई आपके साथ सिनेरियो हुआ? तकरीबन हर बार ही ऐसा होता है जो आपके पास है, हर बार ऐसा होता है। अच्छा, मतलब ये हमारे साथ नहीं आपके साथ ही होता है? ठीक है, बग जाते थे। अब तो मैं C++, पाइथन, C#, HTML, R लैंग्वेज, इन सब पे काम कर चुका हूँ, और आजकल C# पे और पाइथन पर काम करूँ, और आगे .NET कोर पर काम करना है। बग जाते हैं, एट दैट टाइम अराउंड 1 साल पहले मैं रात को सहरी में जागता था, अफतारी करके जागना, फिर रात सारी बैठे काम करना, अगर नहीं सोल्व हुए तो फिर सोना ही नहीं। ठीक है, फिर अगली अफतारी में सो जाना, फिर अगली सहरी पर। इस तरह होता था, तंग हो जाता था,
कि बग आ रहा है किसी चीज़ का, कभी कभार तो कोई छोटा सा बग होता है कि आपको समझ ही नहीं आता अगर एग्जॉस्टेड हो टायर्ड हो, तो आते थे फिर अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दो, थोड़ा सा सुकून लो, चिल करो, उसके बाद फिर जाकर दोबारा से उसको। अच्छा सर आपको एक बात बता दूं, मुझे रिमशा ने एक दिन पहले कहा कि आप ना फर्क CSS कर लें, तो मैं बाहर गया जाके CSS करके आगे एक दो मंथ में, तो मुझे पूछती है कि आपने CSS कर क्यों नहीं की अभी तक, तैयारी शुरू नहीं की, तो मैंने रिमशा का मैंने CSS कर लिया। तो वो कहती कौन सा CSS किया, मैं तो जो कंप्यूटर वाला CSS होता है, स्कैनिंग स्टाइल शीट जो होती है, तो ये बड़ा एक कंफ्यूजन बड़ा वर्ड होता है CSS आपने कर रहे हैं या नहीं करना। तो खैर कंप्यूटर अच्छी लैंग्वेज है और लेकिन इसमें मेहनत काफ़ी दरकार होती है। अच्छा मुझे बात सुनिए, लॉजिक कैसे समझ आते हैं, मतलब जब मैं C++ पे या जावा पे काम करती थी और मुझे वो ना मुझे ये होता था कि मुझे एक प्रोग्राम, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं मैथ्स के क्वेश्चंस भी याद कर लेती थी स्टेप बाय स्टेप, हालांकि मुझे समझ नहीं थी आती इसमें क्या। और इसी तरह ही जब मिड टर्म्स आने या फाइनल्स आने तो मैंने वो क्वेश्चन को एज इट इज याद कर लेना, समझ नहीं आती थी, तो वो लॉजिक किस तरह समझ आ जाती है इतनी छोटी उम्र में। जब मैं 7-8 ईयर्स का था उसमें भी थोड़ा बहुत शौक था हल्की फुल्की कोई C++ की या फिर कोई और बुक पकड़ ली, एट दैट टाइम सूडो कोड पे काम करता था। अच्छा बस तो मुझे पता ही नहीं था कि पी साइलेंट होता है इसमें, सूडो कोड वैसे कहता था। उस वक्त इसमें स्टार्ट लिया था, फिर बाकी इसमें ट्रेस टेबल हो गया, फ्लो चार्ट हो गए, फ्लो चार्ट सबसे इजी लगता था एट दैट टाइम, बट अब तो आके वो जस्ट लाइक बच्चों का काम है, उसमें काम किया। फिर जब कहते हैं कि फ्लो चार्ट इतनी छोटी उम्र में कर लिया तो उसके बाद तो फिर प्रोग्रामिंग में आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग आ ही जाएंगी। एब्सोल्युटली। अच्छा क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या पाकिस्तान के लिए करना चाहोगे? बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में क्या? फ्यूचर में इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में रोबोटिक्स में ही काम करके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो आप सीएफसीटी में आना चाहेंगे फ्यूचर में, या अगर इनको मेरी कोई सर्विसेज वगैरह चाहिए और रोबोटिक्स से रिगार्डिंग? श्योर आए, ठीक है, चले। थैंक यू सो मच उज़ैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको भी यकीन है पंजाब से श्री थॉट आके बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी बेस्ट विशेस के, और हम ख्वाहिश करेंगे कि पाकिस्तान का नाम ये इसी तरह रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है उज़ैर, और यकीनन आपने देखा और किस तरह से उन्होंने बताया कि वो ITO किस तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और ऐसे ही टैलेंट पाकिस्तान में होना ज़रूरी है, और हमें भी इसी तरह मेहनत करनी चाहिए और कुछ सीखना चाहिए मेरे ख्याल में। अब हमें चाहनी है इजाज़त, नए टैलेंट के साथ हाजिर होंगे, और जाते जाते आपको कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमारा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमारा अकाउंट है पंजाब सीएसटीज अथॉरिटी के नाम से, आप उसको भी फॉलो कीजिए। और अब मुझे और रिमशा को दीजिए इजाजत, सेफ रहें सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।